नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। कारगिल विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी, ये दिन भारत की आन बान और शान, साहसी सपूतों को मेरा सलाम। जीएसटी और महंगाई को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। गवर्नर रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने कारगिल विजय दिवस की दी शुभकामनाएं, शहीद जवानों को किया नमन। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आज भी नहीं मिली बेल, 3 अगस्त को अगली सुनवाई। रसूखदार पंकज मिश्रा को फिलहाल नहीं मिली राहत, ईडी की याचिका पर 6 दिन की बढ़ी रिमांड। चाईबासा में झारखंड इको टूरिज्म का मंत्री जोबा मांझी ने किया उद्घाटन, बोली पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को दिलाना है पहचान। रांची के बेड़ों में एटीएम से 3 लाख की चोरी, गैस कटर से कियोस्क काटकर पैसे ले उड़े चोर। जेएसएससी ने 2 प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ाई तारीख, 11 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। रांची में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणविजय सिंह का निधन, जमीन पर गिरने के बाद हुआ ब्रेन हैमरेज। दुमका में मां की मौत पर पिता को कराए अरेस्ट, नाबालिग बेटा बोला घर खर्च मांगने पर पापा मां से करते थे झंझट। साहेबगंज में पवित्र यादव का क्रशर, ईडी ने किया फ्रिज, भाई विष्णु यादव पंकज मिश्रा का है करीबी। राज्यसभा में हंगामा करते हुए वेल में गए विपक्ष के सदस्य, 1 सप्ताह के लिए 11 निलंबित। बिहार के हाजीपुर में हिरासत में लिए गए यूपी के 6 युवक, साधु का वेश धारण कर गली गली मांग रहे थे भीख। पटना में निगरानी की टीम ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल यादव के ठिकाने पर मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। नवादा में अवैध संबंध के इल्जाम में पत्नी को बेतरह पीटा, सिर पर किया 15 बार। भागलपुर में हर्ष फायरिंग के बहाने दुल्हे की जीजा को मारी गोली, पुरानी अदावत में वारदात को दिया अंजाम। यूपी के शाहजहांपुर में सौतेली मां की गोली मारकर हत्या, छोटे भाई को थप्पड़ मारने से नाराज था बेटा। एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को मिली धमकी के बाद अलर्ट मोड में मुंबई पुलिस, बढ़ाई गई शूटिंग सेट की सुरक्षा। कैलिफोर्निया में 12,000 एकड़ जंगल जलकर खाक, 3,000 लोग अब तक हो चुके बेघर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को बड़ा झटका, चोट के कारण नहीं खेल सकेंगे नीरज चोपड़ा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।